जो भी एडवांस की बीज रूप आत्मा है वो तो देवता बनने वाली है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मुसीबत के रूप में कौन खड़े हुए हैं? वही ब्रह्मा, वही जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में दूध भात सबसे ज्यादा खाया है। न बाप को प्रत्यक्ष होने देते हैं, न बाप को खुद पहचानते हैं। जानकी चित्र में मुस्लिम धर्म दिखाया है। हाँ आगे झाड़ के चित्र में मुस्लिम धर्म दिखाया है। हाँ है? चित्र नहीं दिखाया, चित्र नहीं दिखाया। किसका चित्र? मुस्लिम धर्म चित्र नहीं दिखाया। मुसलमानों ने जिनका धर्म पिता मोहम्मद था उसने इस्लाम धर्म में मूर्तियों का खंडन कर दिया। जो खुद ही सब मूर्तियों को खंडन करने वाला है, बुत परस्त नहीं है, बुतों को नष्ट करने वाला है। हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो हिंदुओं का जो सिरमौर है केवल शंकर भोलेनाथ, उस मूर्ति का ही खंडन करके अपनी सीढ़ियों पर दरवाजे पर उल्टा करके डाल दिया। जो धर्म इतना मूर्तियों का खंडन करने वाला है वो अपनी मूर्ति को कैसे रहने देगा? इसलिए उसकी मूर्ति दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, वो सिर्फ निराकार को मानने वाला है। साकार को मानने वाला नहीं है। सेंटर में कुमार नहीं तो माना प्रगति नहीं। अगर कुमार है तो प्रगति नहीं होगी? होगी, लक्ष्मी नारायण है। अगर अधर कुमार है, कुमार नहीं है कोई, तो पांडव है, पांडवों के साथ शक्तियां हैं और शिव शक्ति पांडव दोनों इकट्ठे हैं तो प्रगति नहीं होगी? फिर क्या बात? ज्ञान के बाद सब कुमार बन जाते हैं। ज्ञान के बाद सब नहीं है, ज्ञान में आने के बाद सब कुमार बन जाते हैं। कुमारों की तो सबसे जास्ती परीक्षा होती है, माया सबसे जास्ती कुमारों को खाती है, अदर कुमारों को खाती है, कुमारियों को खाती है, किसको खाती है? कुमारों को सबसे जास्ती खाती है। तो माया का आक्रमण जिनके ऊपर सबसे जास्ती होता है उनको कुमार रहने देगी नहीं? है? नहीं रहने देगी। चाहे बेसिक में हो और चाहे एडवांस में हो, प्रैक्टिकल में देखा जाता है कुमार ज्ञान में पनप नहीं पाते हैं, बिरले हैं जो रह पाते हैं। और खाना बनाने वाली माँ है तब तक रहते हैं, फिर कोई नहीं रहता है तो शादी कर लेते हैं। नहीं
नहीं, ऐसे बहुत से कुमार हैं जो अपने हाथ से ही खाना बनाना पसंद करते हैं। आजकल खाना बनाना तो बहुत आसान, जब से कुकर निकला है 10 मिनट में खाना तैयार। बाबा ने बोल भी दिया, दाल भात आलू तीन चीजें इकट्ठी कर दो, सबसे बढ़िया भोजन तैयार। सारे विटामिन आ जाते हैं उसमें। आलू के बारे में तो ऐसा कहते हैं बटाटे, माना सिर में बटाटे सब जाएंगे, सिर में आलू ही आलू हो जाएंगे तेरे सिर में। तो आलू हो जाएंगे तो क्या, फरुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। आलू की सब्जी सब्जियों में सबसे ज्यादा मुख्य सब्जी है। सब्जी मत कहो उसको, शिवजी कहो। आलू गोल गोल स्थापन कर दो, क्या बन जाएगा, शिव बाबा बन जाएगा। वो शिव बाबा फरुखाबाद में ही सबसे ज्यादा पैदा होता है। आलू खाएंगे तो पेट के फरुखाबाद के लोग आलू खाते हैं, मालिक को बहुत मानते हैं। अच्छा इसीलिए होता है उसका नाम आलू। आओ और लो। लेकिन एसिडिटी होती है, एसिडिटी दक्षिण भारत के आलू से होती है, नॉर्थ इंडिया के आलू से एसिडिटी नहीं होती है। धरणी का फर्क हो जाता है। अभी जानवर जिंदाबाद हो रहा है? नहीं, बुद्धि को ठिकाना मिल गया है किसी को? नहीं मिला है। एक ठिकाना पक्का 100% किसी की बुद्धि को मिला है, माया उसको हिला ना पाए, ऐसा एक ठिकाना किसी की बुद्धि को मिल गया है? नहीं मिला। सबकी बुद्धि हिलती रहती है, माया हिलाती रहती है। माया कहती है बाप नहीं आया हुआ है। माया क्या कहती है? बाप नहीं आया हुआ है, नहीं हो सकता कि बाप आया। तुम बच्चे साबित करने में लगे रहते हो कि बाप आया हुआ है। फिर जो बच्चे साबित करते हैं उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, कभी अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनते बच्चे। तो क्या साबित हुआ? माया ही बाबा होगी रेतर जन्मों का हिसाब किताब जब पूरा होगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मथुरा शब्द जो है वो कौन से शहर के लिए बोला गया है? वो शहर हिंदुस्तान में कहाँ है? उत्तर भारत। उत्तर भारत में भगवान के तीन स्थान है, राम का अयोध्या, कृष्ण की मथुरा और शिव की काशी, और शंकर का काशी। तो शंकर के लिए काशी शब्द यूज हुआ है। उन्होंने मुख्य काम क्या किया है? काश्य
साक्षी माने तेज, तेज की स्थापना की तो काशी नगरी बनी, जहां याद का तेज ही तेज भरा हुआ है। इतना तेज भरा हुआ है, ये कहावत बन गई है कि जो काशी में मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। शास्त्रों में आया है कि राक्षस जब सारी पृथ्वी को पतन के गर्त में ले जा रहा था, कहाँ ले जा रहा था? पाताल लोक में। सब पतित हो रहे थे, क्या सबके तन की शक्ति छीन हो रही थी, मन की शक्ति छीन हो रही थी। जब सब तरह से पतन हो रहा था सारी पृथ्वी वासियों का, उस समय काशी नगरी छिटक के अलग हो गई। क्या वो हिरण्याक्ष राक्षस उसको पतन के गर्त में ले जाने में समर्थ नहीं हुआ? कहां की बात है? संगम युग में भी कहां की बात है? है? अरे वही की बात है जहां के तवानी में बोला हुआ है, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दे दी है। नई दुनिया का फाउंडेशन कौन सी नगरी है? काशी नगरी है, जहाँ का वातावरण ऐसा बना हुआ है। आज भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कौन सा शहर ऐसा है जहाँ ज्ञानी आत्माएं दुनियावी दृष्टि से ज्यादा है, पंडित विद्वान आचार्य ज्यादा है, जहाँ से टाइटल मिलते हैं विद्वत मंडली में, वो स्थान वाराणसी है। वरुणा अति, वरुणा नदी और अति माने तलवार, जहां गंगा नदी तलवार का रूप धारण करती है वो है वाराणसी, उसको कहते हैं काशी नगरी। तो काशी नगरी का प्रभाव है। जहां का वायुमंडल पुरुषार्थ में स्वतः ही तीव्रता लाता है और बटुआ पूछ रहा है पहाड़ों को मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? पहाड़ ऊंचे से ऊंचा पहाड़ दिखाते हैं, कैलाश पहाड़, कैलाश पहाड़ पर भगवान का वास दिखाया जाता है, भगवान के गण कैलाश पर्वत पर दिखाए गए हैं। यादगार में भारतवर्ष में और विदेशों में भी ऊंचे ऊंचे तिलकों पर शिव का मंदिर बनाते हैं। पहाड़ों पर ज्यादा मंदिर होते हैं। ये यादगार कहाँ की है? यहाँ संगम युग में ब्राह्मणों ने ऊंची स्टेज में जाकर के याद का जो पुरुषार्थ किया है उसकी यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग में, ऊंचे स्थानों पर मंदिर बनाते हैं। और अगस्त्य हा माने नहीं गत शब्द से बना है गया हुआ, जो गया हुआ नहीं है
नेस्त नाबूद नहीं हुआ है, है। तो ऐसी कौन सी आत्मा है जिसके लिए शास्त्रों में अगस्त्य का विशेष पुरुषार्थ गाया हुआ है? अगस्त्य का ये पुरुषार्थ गाया हुआ है कि उन्होंने सारे सागर को पी लिया। कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सारे ही ज्ञान सागर को पी लिया और पीने के बाद उस सागर को जब बाहर निकाला तो वो खा रहा होकर के बाहर निकला? तो सब जानते हैं पानी मीठा पिया जाता है, फिर जब बाहर निकलता है तो खारा होके निकलता है या मीठा निकलता है? है? खारा होता है। वो तो हद की बात है, पीने वाले भी हद के हैं, गिलास दो गिलास चार गिलास पीते होंगे और वो बेहद का पीने वाला है। कितना पिया? सारा सागर पी लिया। वो ज्ञान सागर शिव बाबा मीठा है या खारा है? मीठा ही मीठा है। ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य निकले वो सब मीठे ही मीठे लगते हैं, महावाक्य या कड़वा मुंह कर देते हैं, मीठे ही मीठे निकलते हैं। फिर उसी सागर को अगस्त्य ऋषि ने जब पी लिया तो उनके पुत्र रूपी पेट में जाकर के जब वो निकला तो ब्रह्मा कुमारियां जब उस सागर को पीती है उस पानी को, तो उन्हें एक एक महावाक्य कैसा लगता है? मीठा लगता है, खारा लगता है, खारा ही खारा। गोत्रों के नाम पंडितों से पूछ लो, सारे उनको मालूम। भारद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, जो ऋषियों के नाम है उनके आधार पर वो गोत्रों के नाम पड़े हुए। और ये चिड़िया नहीं बैठी हुई है? ये चिड़ियों ने तुम्हें पढ़ाई नहीं पढ़ाई है? अरे पढ़ाई पढ़ी है तब तो तुमको पढ़ाई है। तो चिड़िया है, इन्होंने सारे ज्ञान सागर को हप कर लिए। ब्राह्मण की दुनिया में और अहमद की दुनिया में जो पैदाइश हो रही है बाबा की, वो अच्छी नहीं हो रही है। तो सब जाएंगे तब भी मालूम है गाँव में, सब जाएंगे। अच्छी नहीं पैदाइश है तब भी जाएंगे क्या? एडवांस में जाने वाले भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे हैं और बेसिक में पैदा होने वाले भी अच्छे नहीं है, अच्छे पैदा नहीं हो रहे। फिर प्रश्न क्या है? तपस्या करने के लिए सब जाएंगे, तपस्या करने के लिए बेसिक वाले भी जाएंगे? वो जाएंगे कि भाग जाएंगे? तो भाग जाएंगे। और एडवांस वाले? हाँ, एडवांस वालों में जो सूर्यवंशी होंगे सो जाएंगे, जो देह अभिमानी होंगे दुनियावी धन संपत्ति इकट्ठी करने वाले होंगे, दुनिया में जिनकी बुद्धि लगी हुई होगी वो यही रह जाएंगे। अभिमान से बनता है अभिमन्यु। जिसको अभिमान था, अहंकार था कि मेरा बाप भगवान है, क्या मुझे ज्ञान में लाने वाला कोई देहधारी नहीं है, मुझे ज्ञान देने वाला कौन है? साक्षात भगवान।
उसको अहंकार था, अभिमान था क्या कि मेरा बाप भगवान नहीं, मेरा बाप का जो शरीर रूपी रथ है उसको भगवान ने धारण किया, माने मेरे बाप के शरीर रूपी रथ को चलाने वाला स्वयं भगवान है और मुझे डायरेक्ट ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है। वो इस अहंकार में रहा, इसलिए उसने जो ब्राह्मणों की जीवन की रीति रसम है, विधि विधान है, उसको नहीं माना। विधि विधान है कि भक्ति करो, साप्ताहिक कोर्स लो है, हाँ, और निश्चय पत्र लिखो, निश्चय पत्र लिखने के बाद रेगुलर ज्ञान लेना और दूसरों को देने का काम करो। ब्राह्मण का धंधा ही होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अब जो न भट्टी करेगा न किसी से साप्ताहिक कोर्स लेगा हमारे अहंकार के, न रोज क्लास करेगा मुरली का, तो विधि से सिद्धि मिलती है, वो विधि पूरी करता नहीं तो सिद्धि मिलेगी क्या? नहीं। सफलता मिलेगी या असफल हो जाएगा? असफल हो जाएगा। असफल हो जाएगा। हाँ बाबा, जो भारत माता है, भारत माता और चौरण जी का हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, चौरण जी का जन्म है हिंदू धर्म में लेते हैं, माने करवट भी होनी चाहिए, करवट नहीं जन्म की बात कर रहे हैं, हाँ जन्म लेगी तभी तो। कोई मुसलमान धर्म में जन्म लेते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाकर के जन्म लेते हैं, कोई ऐसी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म में जाकर जन्म नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जो जीवन में पूर्व जन्म में कोई विधर्मी का संग नहीं किया, तो जन्म लेने का सवाल नहीं पैदा ही नहीं होता। हाँ, तो रानी का नाम है विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया जो है वो महारानी का गैंग है और वो क्रिश्चियन धर्म की है, वो क्रिश्चियन धर्म की जो विक्टोरिया है वो भारत में जब आती है तो इंडिया गेट यादगार बनती है, यादगार इंडिया गेट इंड आ उसके आने मात्र से ही इंड हो जाता है, वेदों शास्त्रों का अंत हो जाता है, वो तो है हद की विक्टोरिया इसी अंदर में पैदा होने वाली। यहाँ कोई है बेहद की विक्टरी है, विक्टरी माने विजय, कोई विजय वाला की हेड है जिसके आने मात्र से ही क्या हो जाएगी? विजय हो जाएगी। इसलिए बाप दादा ने डायरेक्शन दिया है, क्या करो? विजय वाला का आवाहन करो, वो आएगी और इंड आ क्या हो जाएगा? इंडिया स्थापना हो जाएगी, इंडिया गेट की। भारत माता किसी भी धर्म में नहीं आती है, भारत माता धर्म के संघ के अंदर में नहीं आती, या विदेश में जन्म नहीं लेती, भारत में रहती है, फिर भी इतनी पतित क्यों बनती? इतनी पतित क्यों बनती? भारत का उत्थान और पतन इतना पतन कैसे होता है? माने रंग के रंग में नहीं आती, आखिरी जन्म में इंडिया जो है, इंडिया के जो जहीन लोग हैं, बुद्धिमान से बुद्धिमान और पवित्र रहने वाली जो बुद्धि है वो विदेश में जाकर के सेवा नहीं करती, सारा जहीन वर्ग इंडिया का पढ़ा लिखा कहाँ जा रहा है? विदेश में जा रहा है।
कहाँ की यादगार चल रही है? संगम में शूटिंग हुई। जो भी पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र बुद्धि वाली हैं, विजयमाला के मणके हैं, वो अच्छे अच्छे हैं, तो विदेशों में भेजे जा रहे हैं आखिरी जन्म में, विदेशों की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हीरे जवाहरात हैं चैतन्य, वो सब विदेशों में चले गए। तो उनकी सेवा करना जरूरी नहीं है? जो हीरे हैं दुनिया में, वो सबसे जास्ती कौन से महाद्वीप में मिलते हैं? अफ्रीका। तो जहां दुनिया के सबसे जास्ती तादाद में हीरे भरे हुए हैं, उन हीरों का जीवन बनाने वाली, उन हीरों को तराशने वाली, हीरे घिसे जाते हैं ना, उनको ज्ञान में घिसने वाली कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? वो विदेश में चली जाती है। जब भारत में आती है तो बात बातियों की विजय हो जाती है, नाम पड़ता है विक्टोरिया। दो हजार आठ में क्या ऐसा थोड़ी कहा था? 2008 में विक्टोरिया रानी आ जाएगी बोले, ऐसा कहा? 2008 में विक्टोरिया रानी आ जाएगी? नहीं, आने वाली थी विक्टोरिया। आने वाली थी, मारे तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई? अच्छा, चंद्रवंशियों में आगे जो भी जो विक्टोरिया है, वो सीता है ना, शीत बुद्धि वाली है या गर्म बुद्धि वाली है? शीतल बुद्धि वाली है। जो शीतल बुद्धि वाली है, शीतल कर्म इंद्रियों वाली है, उसको ज्यादा योग लगाने की जरूरत है? नहीं, वो तो है ही शीतल कर्म इंद्रियों वाली। तो जो शीतल कर्म इंद्रियों वाली है, वो चंद्रवंशी में पैदा होगी या गर्म सूर्यवंशियों में पैदा होगी? जो चंद्रवंशियों के बीच में पैदा होगी, उसको चंद्रवंशी बच्चे पहले पहचानेंगे या सूर्यवंशी इस्लामवंशी पहचानेंगे? चंद्रवंशी। कौन पहचानेंगे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी पहले पहचानेंगे। तो आंख में जब वो जन्म लेगी, प्रत्यक्ष होगी, तो पहले कौन पहचानेंगे? चंद्रवंशी पहचानते हैं। इसलिए अपने कवानी में कहा है, अफ्रीका ने वो सर्विस अब शुरू की है जो होनी चाहिए। अभी तक कोई ने ऐसी सेवा नहीं की है। तो गलत क्या कहा कि 2008 में प्रत्यक्ष होगी? और हीरो का मार्केटिंग डाउन हो गया। हाँ, बंद पड़ गया वो, डाउन हो गया हीरो का बाजार, बंद हो गया। हाँ, इमिटेशन के पीछे क्यों पड़े हुए? दुनिया झूठों की बन गई है या सच्चों की है? 2036 में भी, वो 1936 में भी जब बाप आया था, तब दोनों प्रकार के हीरो के व्यापारी कलकत्ते में मौजूद थे। एक थे दादा लेगरा, बड़े हीरो के व्यापारी माने जाते थे, और उनकी मार्केट में बड़ी प्रसिद्ध दुकान थी। और एक उनका था भागीदार, वो उनसे भी ज्यादा होशियार था हीरो की पर्स में। उसकी बहुत छोटी सी दुकान थी, उसकी दुकान चलती ही नहीं थी।
और दादा लेखराज की दुकान बहुत चलती थी। कौन दिखावटी था और कौन सच्चा था हीरो का व्यापारी? झूठे हीरो के बाजार में वो एक सच्चे हीरो की दुकान निकाल करके छोटी सी बैठ जाए तो कोई उसकी दुकान पर नहीं जाएगा, समझेंगे ये भी झूठा होगा। ऐसे ही आज की दुनिया की हालत है, सारी दुनिया में इमिटेशन की बोलबाला है, झूठे हीरो का बोलबाला है, कोई पहचान ही नहीं सकता कौन सच्चा कौन झूठा है। सच्चे हीरे कहीं बिरले मिलते हैं, इसलिए झूठों का ही बोलबाला हो गया, इसलिए मार्केट बंद। क्या भागीदार को अपनी दुकान बंद कर दे? हीरो का व्यापारी बनने से तो अच्छा है कहीं दास दासी बन करके जीवन चला लेंगे। और जिसके ज्ञान और योग के पंखों को रावण काट देता है, क्या उसकी ज्ञान की जटाएं तो है, लंबी आयु भी है, उसकी दृष्टि भी बड़ी दीर्घ दृष्टि है, तीनों कालों का ज्ञान होता है, फिर भी रावण काल रावण से जब टकराता है तो रावण क्या करता है? काट देता है उसके ज्ञान योग के पंख, काट देता है। ऐसे ज्ञान योग के पंखों वाले जटायु ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हैं, जो बेसिक ज्ञान से और एडवांस ज्ञान से दोनों से वंचित हुए पड़े। रावण ने उनके पंखों को काट दिया। उनको भी भगवान मिलता है, अंत मते सो गते हो जाती है, उनको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्ता मिलता है और भगवान के दिल में समा करके रहते हैं। जिनके लिए बोला है लास्ट तो फास्ट हो जाएंगे। सीता सोने के हरिंद्र के पीछे हो गई। सीता हाँ सीता है हाँ वो चाहिए थी उसको, तो राम बोलते भाई ये तो गलत बात है, तुम देखिए सुंदरता नष्ट करके आपकी सुंदरता बढ़ा ना लाने के लिए बोल रही थी उसको मार कर उनके लिए बोल रोक लेना है। हाँ तो इसका एक तो होता है मृग, मृग सीधा साधा जानवर होता है सांपों की जंगल का, और वो मृग की छाल पवित्र मानी जाती है, माना ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य तन अच्छा माना जाता है जो भोले वाले मृग की तरह जीवन जीता हो। किसी की हिंसा करता है? नहीं नहीं करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, ऐसा जीवन होना चाहिए कांटों के जंगल में। वो मृग छाल तपस्वियों को दिखाई जाती है
साधनों को दिखाई जाती है, जो इंद्रियों की साधना में लिप्त रहते हैं। अगर वो मृग सोने का रूप धारण कर ले तो सोने की तो छाल नहीं होती है, होती है नहीं, होती नहीं है, लेकिन सीता को उसने मायावी रूप धारण करके सोने का मृग बन करके दिखाया, और सोने के मृग के पीछे सीता आकर्षित हो जाती है। ऐसे साधु सन्यासी और ऐसे पुरुषार्थ की ब्राह्मण ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत होते हैं, जो सीताओं को लुभाने के लिए ऐसा पुरुषार्थ दिखाना दिखावा करते हैं कि सीताएं छलिया छलियों से छलित हो जाती हैं। अब उसको सोने का मृग कहो अथवा रावण को साधु का वेश कहो, बात एक ही। और जब उसके पंजे में फंस जाती है सीता तब पता चलता है, अरे ये तो साधु नहीं है, ये सोने का मृग नहीं है, इसने तो हमको छल लिया। सारी चैतन्यता की बातें हैं, चैतन्य पाठधारी है। क्या शिव बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाना रहा हूँ, अभी शिव बाबा मुरलियों में बता रहे हैं कि मैं जानी जाना रहा हूँ। नहीं, मुझे बताओ। तो वहाँ राम जो था वो भगवान नहीं था, जिस राम को भगवान कहा गया वो साधारण राम देहधारी था या भगवान था? भगवान था, भगवान था लेकिन साधारण पाठ, साधारण पाठ नहीं, वो भगवान था, वो भगवान दूसरा नहीं था कोई, यही भगवान था जो अभी कहता है कि मैं जाने जाना नहीं हूँ, नहीं हूँ, जानता सब कुछ है। सीता हाँ, उसकी युगल कैसे बन गई? यहाँ कहाँ युगल हो गई, यहाँ भी तो रावण के चंदे में फंसने वाली हो गई, वो तो सोने की मूर्ति बना के रखी थी, असली सीता थी क्या? नकली। और पारिजातक का फूल साल में एक ही बार खिलता है, मतलब एक ही मास है, वो स्वर्ग में ही रहता है वो झाग, अगर वो सिर पे लगाए तो चिर तारुण्य में रहता है ऐसा कहा जाता है भक्ति मार्ग में, तो इसका मतलब बाबा क्या? तुम्हारे पैदा होना, क्या पैदा होना? पैदा होना, पैदा हुआ, और पार माने पार, इस लोक में नहीं पैदा होता है, कहाँ होता है? स्वर्ग, पार लोक में, इसलिए पार जात कहा जाता है, नई दुनिया में ही होता है और सारे कल्प में एक ही बार फल देता है, ऐसे नहीं कि हर कल्प में फल देगा, इसलिए जैन है पारिजात। तो विठल का अर्थ क्या है? वो
विठल उत्तर भारत का देवता है या दक्षिण भारत है? जहाँ का है वहाँ के लोगों को इसकी हिस्ट्री का पता होगा? हिस्ट्री बताओ। तो वही खड़ा हो गया, फेंक दी क्या? उन्हें माता पिता की सेवा करते करते भगवान प्रसन्न हुआ कृष्ण भगवान को, तो उन्हें उनकी तरफ से अंजलि की माता पिता की सेवा की, बोले आप ये जीव पे खड़े हो जाओ, ये गलत ले रहो, जो जब तक मेरी माता पिता की सेवा पूरी ना हो जाए तो वो सुनेंगे। तो उसने भगवान को मान के सभी गायन रामकृष्ण गाइए। अब लंदन में जाओ तो वहाँ की कथाएं अलग है, न्यूयॉर्क में जाओ वहाँ की किससे कथाएं अलग है, सभी कथाएं मुस्लिम पटेखे में जाओ वहाँ की कथाएं अलग है, लेकिन है रामकृष्ण की जो भी कथाएं हैं कहाँ की है? तो यहाँ की जो जहाँ की कथा कहानियाँ हैं, वो कथा कहानियाँ हर आत्मा ने अपने शास्त्रों में खुद ही लिखी है। क्या दूसरे ने तो नहीं लिखी नहीं है? महाराज की जो कथा कहानियाँ हैं, जो महाराष्ट्रियन है उन पर विचार करें, उन कथा कहानियों को मन चिंतन मंथन करेंगे तो बात निकलेगी। तो पिक्चर के बारे में कुछ बता नहीं क्या है ये? वो मुक्तावली जानकर यानी पर उनके माता पिता से बोलो जो भी होंगे। और दूसरी बात करा बाबा है ब्रह्मा जी पढ़ाई पढ़ रहा है, है? कृष्ण की सॉरी पढ़ाई पढ़ रही है अभी, पढ़ाई पढ़ रही है और मधुबन में जाके मुरली भी है, मधुबन में जाकर मुरली भी चलाते हैं। अव्यक्त वाली मुरली नहीं चलाते हैं, अव्यक्त वाली देव वाली तो मुरली नहीं कहेंगे, ज्ञान की धार देव वाणी चलाते हैं। तो क्या वो देवता बना संपूर्ण है? संपूर्ण देवता बना, मृत प्रेत को देवता कहा जाता है फिर वो देव वाणी क्यों कहे? कितने कहा देव वाणी? धारणा की वाणी, धारणा की वाणी, देव वाणी किसने कहा? देव वाणी तो नहीं कहा। हाँ देवता वाली आत्मा वो धारणा की वाणी चला रही है, देवता वाणी नहीं चलाते। जब वो आत्मा देवता बन जाएगी तो वाणी चलाएगी? बच्चे कैसे बच जाएंगे बम से? जो 20-20 मेगावाट के थे उसमें भी बच गए, तो पावर कम थी। कम पावर होने के बावजूद भी उस समय जो ज्ञान योग की पावर थी वो कमजोर थी, संपन्न स्टेज में थी या अधूरी स्टेज में थी? अधूरी स्टेज में थी, माने ईश्वरीय पावर कम थी, प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं हुआ था। और अभी बहुत है। अभी वो एटमिक एनर्जी हजारों हजार पावर की भले तैयार हुई है, लेकिन जो ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय पावर की आत्मिक एनर्जी है, वो पावरफुल तैयार हो गई। तो बचने की संभावना है या नहीं है? उस समय विकास नहीं हुआ था, कहे का
आत्मिक पावर का और अभी आत्मिक पावर का विकास हो चुका है। इसलिए जिनमें जिनमें आत्मिक शक्ति का विकास हुआ है वो बचेंगे। जो कुरान में भी लिखा हुआ है जब कयामत बरपा होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे और जो दूसरे वो मरते खपते रहेंगे। तो वो कहेंगे मिरुआ मौत मलूका चिका। कितने नंबर बार बनेंगे? शिव के बच्चे कितने हैं? सभी है, है? सभी है ना। जितने भी आपके स्थिति में स्थित होते हैं वो सब क्या हो गए? शिव के बच्चे हो गए। आत्मा तो परमात्मा हो गए। तो जहाँ भी खड़े हो जाओ जय हनुमान की मिट्टी इकट्ठी करो मंदिर पूजा करो और आ जाओ। कितने मंदिर हो गए? ढेर की ढेर मंदिर हो गए हैं? 500-550 करोड़ क्या बोले? क्यों क्यों नहीं हो गए? आत्मा तो परमात्मा कैसे हो जाती है? भक्ति मार्ग कहते हैं आत्मा तो परमात्मा कैसे? जो भी परमात्मा में संस्कार है संकल्प है वो सारे संकल्पों में आत्मा तिरोहित हो जाती है। हर आत्मा के संकल्प किसके समान हो जाते हैं? बाप समान संकल्प हो जाते हैं। तो आत्मा तो क्या हो गई? परमात्मा हो गई। बाबा पुरुषार्थ में चलने के लिए अभी पुरुषार्थ अभी दौड़ना चलना बैठना ये खत्म हो गया और खत्म हो गया वो स्थिति खत्म उड़ने की स्थिति बाबा ने बताई ना उड़ने की स्थिति आ गई। उड़ना है अभी उड़ना है दौड़ना खत्म दौड़ना चलना दौड़ना खत्म रेस खत्म हो गई है। पुरुषार्थ की रेस खत्म हो गई नहीं चालू चालू है। हाँ बहुत से तो अभी भी सोए पड़े उड़ना है बोले ना बाबा ने अभी बहुत से अभी सोए पड़े हैं। उनकी कुंभकर्ण की नींद दूसरों को भी सुलाती चली जा रही है। अभी शूटिंग के हिसाब से गिरती कला होती जा रही है या चढ़ती कला होती जा रही है? तो उड़ना हो रहा है या पड़े रहना हो रहा है? विजय माला आ जाएगी तो उसके बाद उड़ने का समय। हाँ जी घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है कि घर के हालात ही सुधर जाते हैं। में बीती के बाद तो अरवास के जो दीता पाठ चला है वह भी मदद करना सेव करना वो भी नियम लागू होता है। ऐसा मदद करे क्या बोले सेवा लाना देना एडवांस में बीके में मदद करते हैं भाई लोग सेवा लाने की देने की वैसे एडवांस में है क्या? एडवांस में क्या करें? भाई लोगों को मदद करने की सेवा भाई लोगों को सेवा अरे बात में है गीता पाठ चला चलाने वाली की परिस्थिति नाजुक है तो उसे मदद करें बाबा कोई नहीं है। हाँ उसको मदद करना ठीक है सहयोग दे सकते हाँ
अगर चलाने वाला अच्छी रीति चला रहा है, लक्ष्मीनारायण का मंदिर बना रहा है और उसमें हम सहयोग करेंगे तो हमारा हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर लक्ष्मीनारायण का मंदिर नहीं बना रहा किसकेन का बना रहा? इस्लाम का बना रहा। सातवें दिन क्लास हो रहा है, डेली क्लास नहीं हो रहा है। पांडवों की यूनिटी बजाय बनने के और ही बिगड़ रही है। पांडवों किला बनने की बजाय और ही बिगड़ गया तो हम सहयोग करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम भी वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे मानते नहीं क्या? संग दोष में आ गए। हाँ ये तपाशाला चलाने वाले भी नीचे गिर जाते हैं। हाँ तो क्या करें? क्या करें? अगर टीचर नीचे गिर जाता है तो स्टूडेंट नीचे गिर जाए जरूरी है? नहीं, बाप को देखें। हाँ हमारा टीचर सुप्रीम टीचर एक है, बाकी तो सब निमित्त मात्र है। जो जैसा करेगा नहीं पाएगा। मेरे को जो जो टेंथ की क्लास सेंटर सुबह और क्या तो वो माता जी बोलती थी मुझे भाई क्या हमका जी क्लास है बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है बोले वो सुबह का जो टाइम होता है क्लास सुबह और क्या हाँ क्या सुबह साढ़े तीन से लेकर साढ़े सात तक तो एक टाइम का क्लास दूसरे तरफ क्लास एक तो दिखाओ एक तरफ में तो चलो हमारा एक टाइम का क्लास ठीक होता है सुबह का और शाम का क्लास शाम का क्लास हमारे घर में न रख के दूसरे भाई के घर में रखे। अच्छा ऐसा कह रहे हाँ तो क्या करें? दूसरे घर को क्यों रखे? दूसरे भी युगल है ना, बहुत युगल है एरंडोल में, तीन युगल है हाँ। तो दूसरे घर में चलेगा। मैंने सबको खुश करना है। नहीं वो ना खुश है ना, शाम का रखने को तैयार है। खुश करके संगठन इकट्ठा करना है। हाँ भाई क्या करते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं इस चीज में कुछ करना पड़ता है इसके बाद ऐसा हाँ दूसरे क्या रखे हाँ तो मतलब तो बोलना अभी इनके घर से युगल है हाँ ये माता और हम दोनों इसके जो भाई का वो उनका अलग हो गया चलाया मैंने अपने घर की तरफ जा रखी थी हाँ और ये उन्हें निकला हाँ वहाँ पे आप बोलते हैं ट्रांसफर कर दो इसे उनके घर ट्रांसफर कर दिया था तो सुबह का क्लास को ट्रांसफर कर दिया कि शाम का ही क्लास कर दिया? कर दिया नहीं अभी करने का बोल रहे वो शाम वो काम की तरफ और शाम का दूसरे तरफ उनके तरफ दोनों कर रहा दोनों का तो वो भी शाम में उनके घर कर रहा ऐसा बोल रहा है दोनों टाइम का। ऊपर से परमिशन किनको मिली हुई है? कोई आपने घर से थे कि बाद में आपने दी उनको आपके जीवन में लोग जाने के लिए तैयार है उनके घर के नहीं लोग जिस रहा है बालू भाई को बहुत बढ़िया माता सर के लिए हमें ये परमिशन मिली है। तुम्हारा घर जो है कितनी दूर है? आसपास नहीं है जल्दी की नजदीक है एक ही गली में हाँ एक ही गली में दो की पाठशाला होने का मतलब आपस में झगड़ा है? एक ही गली में नहीं है कोई आगे पीछे हाँ गली गली में सेंटर होगा एक गली में एक सेंटर हो जाए तो ठीक है। मेरा घर थोड़ा लंबा पड़ता है मेरा पिछला घर बीच में आप भी आए थे चलो ये छोटी छोटी बातें हैं जैसा एडजस्ट हो वैसे कर लो।
कारण मैं आपके लिए क्लास के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो तब फैसला किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी प्रजातंत्र शासन है, अभी राम का राज्य नहीं आ गया है क्या? है ये आपस में बैठ करके संगठन क्लास में फैसला कर लो सबको क्या चाहिए। मैं क्यों करूँ? नहीं वो भी बोल रहे थे आपकी तरफ ठीक है, सब जैसे बोले वैसे कर लो। है चल।